Oh my God!
लग रहा जैसे आज दिवाली, दीप चारों तरफ जगमग। सब जानते हैं रघुकुल की, सब जानते हैं प्राण जाए वचन पर न जाए। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है, ना कर्म से फल की इच्छा रखना उचित है। कार्य पूर्ण रूप से तभी संपन्न होता है जब उसके साथ फल की आशा ना जुड़े। असफलता से दुखी होकर जिसका मन नहीं डोलता, वही मनुष्य सफलता का मनोरथ पूर्ण कर पाता है, वही बार बार सफलता भी प्राप्त करता है। कार्य सफल हो या निष्फल, यदि उस कार्य के साथ फल की आशा जुड़ी है तो मनुष्य को हानि ही होती है। खायतो वित्यां पुंसा संगते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भिजायते क्रोधात धवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रमः स्मृति ब्रह्मचार बुद्धिना
बुद्धि नाशत अवगणति। फल की आशा कामना है और कामना का स्वभाव कि वो कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकती। असंतोष कारण होता है क्रोध के जन्म और इसी क्रोध से अहंकार और मोह जन्म लेता है। अनुचित कार्य करने वाला अपराधी होता है और अपराधी दंड का पात्र होता है, समाज में तिरस्कार का पात्र होता है। अपनी बुद्धि को स्थिर कर स्वयं को आत्मा जाने, सारे मिथ्या बंधनों को तोड़ दो, फल की आशा का त्याग करके कर्म करते रहो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार इसी कथा में कह दिया। वेद व्यास ने सार याद रखे हम आप सब करते हुए।